वायरस अदृश्य है, अवश्य डरिए, पर ईश्वर भी अदृश्य है, भरोसा रखिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक में विचार विमर्श करेंगे और आज का टॉपिक है हाउ आई मेड ऑर्गेनिक कंपोस्ट विदाउट कंपोस्ट बीन ड्यूरिंग कोरोना टाइम। किस तरीके से हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाया है किचन वेस्ट से कोरोना के समय में और कंपोस्ट बीन के बिगर बनाया है, ये देखेंगे और जानेंगे। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉट आप देख रहे होंगे इसमें किचन वेस्ट है प्लस गार्डन सॉइल है और ये कंपोस्ट से बना है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। जो भी हम किचन वेस्ट फेंक देते हैं गार्बेज समझ के, वो सारे जो है इस पॉट में है और इसी पॉट में मैंने ये प्लांट ग्रो किया है। तो ऑर्गेनिक टमाटर ग्रो करने का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोनों ही पॉट जो आप देख रहे हैं ये किचन वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें जो भी किचन के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उससे बनाया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ऑलरेडी इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो इसमें गार्डन सॉइल की क्वांटिटी कम है बट किचन वेस्ट की प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये जो पॉट है बोरी का पॉट है, ये वीडियो मैंने लॉकडाउन के समय बनाया था, जिस समय हमारे पास ना मिट्टी थी ना ही हमारे पास कंपोस्ट था, फुली लॉकडाउन था। तो कैसे हम किचन वेस्ट को यूज़ करके हमने ये पॉट प्रिपेयर किया था और मुझे प्लांट ग्रो करना था, तो मैंने ये गेहूं चावल के जो बोरे जनरली हमारे घर में आते हैं हम इसको फेंक देते हैं, तो उसको यूज़ करके ये पॉट प्रिपेयर किया था। और ये फट चुका है, आप इसमें देख रहे होंगे कि टमाटर का पेड़ ऑलरेडी है और इसमें टमाटर भी ग्रो हुए थे और एक प्लांट ही अब बचा हुआ है। तो मैं इस प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट कर दूंगी और ये जो कंपोस्ट वाला जो हमारा बैग है इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से हमारी ऑर्गेनिक खाद इस बैग में बनी है। हमने कोई भी कंपोस्ट बीन वगैरह यूज़ नहीं किया है और ये प्रॉपर तरीके से हमारी खाद बनी हुई है। और अगर आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, तो मैंने हैंड ग्लव्स वगैरह पहन लिया है और इसके बाद जो भी रॉड वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं टमाटर के पेड़ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैंने ये रॉड वगैरह लगाई थी। और टमाटर का पेड़ शैलो रूटेड होता है तो इसकी रूट जो है ऊपर ही रहती है और इसमें आप देख रहे होंगे प्लांट बहुत नीट है और इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। बेसिकली लोगों की क्वेरी यही रहती है कि अगर हम इस तरीके से कंपोस्ट बनाते हैं तो शायद हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचेगा, बट ये आप टमाटर का जो पेड़ देख रहे हैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये भी लोगों की क्वेरी रहती है कि शायद प्लांट के रूट में फंगस लग सकती है, तो फंगस भी नहीं लगी है और ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हुआ है। तो हमने अब इसको शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने कंपोस्ट को देखेंगे जो कि हमारे बैग में बना हुआ है, जो टोटली फट चुका है। तो इसको मैं पलटा देती हूँ। तो इस बैग में मैंने काफी सारी चीजें ग्रो की थी। पहले मैंने इसमें शो का प्लांट ग्रो किया था, इसके बाद मैंने इसमें चने की भाजी भी ग्रो की थी। तो अगर आपने चने की भाजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी और प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो कंपोस्ट बना है, जो किचन वेस्ट से हमने बनाया है, बहुत अच्छे से बना है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें सारी चीज डिकम्पोज हो चुकी है और कुछ बड़े बड़े जो हैं चीजें बस वो ही रह गई हैं, बाकी सब कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो गया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है हाउ टू ग्रो प्लांट विदाउट पॉट, तो जरूर उसको देखिएगा। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी चीजें किचन वेस्ट होती हैं जो हम अपने पौधों के लिए यूज कर सकते हैं और
बैग तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डस्टबिन की नहीं जरूरत पड़ेगी। आप सिंपली ये काम पॉट में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप बोरे बैग में भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो खाद आप देख रहे हैं, कंपोस्ट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बना है। इसमें आप देख रहे होंगे अर्थफॉर्म भी आपको दिखाई दे रहा है, केचुए वगैरह। तो ये हमारे खाद का साइन है कि हमारी जो खाद है, हमारा जो कंपोस्ट है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे पूरे कंपोस्ट में काफी सारे इसमें केचुए हैं। हमारे पॉट के लिए, हमारे गमलों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लाभकारी है। तो आप इनको हटाइएगा नहीं। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपकी खाद बहुत ज़्यादा गीली है तो आप इसमें मिट्टी मिला के रख सकते हैं, लेकिन आप इसको धूप में नहीं सुखाइएगा। आप इसको ऐसे ही आप अपने पॉट में डाल सकते हैं, किसी भी पॉट में, क्योंकि अगर आप धूप में कंपोस्ट को सुखाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसमें बेनिफिशियल वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ इसमें जो हमारे वॉर्म वगैरह हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, केचुआ है, और साथ ही साथ आप ये जो देख रहे हैं मिलीपीड्स हैं इसमें, जो कि हमारे पॉट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और ये जो ड्राई लीव्स वगैरह है, स्टेम्प वगैरह है, उसको खाते हैं और हमारी जो मिट्टी को है उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। तो इनको हटाना नहीं चाहिए। और कुछ जो कीड़े वगैरह है जो हार्मफुल होते हैं, उनके लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उसके वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, जो भी बड़े बड़े जो चंक्स थे स्टेम के, रूट जो थे, वो हमने हटा दिए हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि कितने प्रॉपर तरीके से हमारा कंपोस्ट प्रिपेयर हुआ है। बस अब करना कुछ नहीं है, आप इसको उठाइए और अपने सारे पॉट में डालिए, और बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। और इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने इसको बनाया है। बहुत सारे इसमें अर्थवॉर्म हैं, केचुए हैं, जो एनपीके की मात्रा हमारे पॉट में ऐड करते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सारे वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ और शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए हमारे पौधों को, तो वो सारे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब मैं अपने ये जो कंपोस्ट है सारे पॉट में डाल दूंगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैंने सबसे पहले टमाटर के प्लांट में डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इस कंपोस्ट को सारे पॉट में डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि पॉट की आपको गुड़ाई करनी है, और इसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ये कंपोस्ट को डाल दीजिए। पत्तियां वगैरह आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो अर्थवॉर्म है मैंने आपको दिखाया है, वो ही हमारे जो लीव्स वगैरह हैं, ड्राई लीव्स हैं, स्टैम्प है, उसको खाते हैं। तो ये तो रहा पॉट की बात और पौधों की बात, और किस तरीके से हमने एक आम सी बोरी, जिसको जनरली हम सम टाइम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, और उसमें हमने कंपोस्ट बनाया किचन वेस्ट को यूज़ करके, और पौधे भी लगाए काफ़ी सारे, एक नहीं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इसमें पौधे लगा चुके हैं। चने की भाजी ग्रो की है, साथ ही साथ मैंने इसमें शो के प्लांट भी ग्रो किए हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा कि कौन कौन से पौधे मैंने इस बैग में ग्रो किए थे एक साल के अंदर, और एक साल के बाद जब ये ख़राब हो गया तो इसने अच्छा कंपोस्ट भी बना है, और ये ही कंपोस्ट हमने सारे पॉट में डाल दिया है। और कोई कंपोस्ट बीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बोरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और छोटी सी जगह में हमने ये काम किया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ही बात शेयर करने वाली हूँ, वो है कि आज इस महामारी में जो पेंडेमिक कोरोना फैला हुआ है, कि आपको मालूम है कि एक वायरस है जो एक साल से हम सभी को परेशान कर रहा है, और ये जो वायरस है नेकेड आँख से, नंगी आँख से दिखाई नहीं देता है। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, जिसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसके द्वारा ही हम देख पाते हैं। इसी के तरह पौधों के लिए भी कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारे पौधों के लिए, वो भी ज़रूरी है।
तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस है उसको हमको अपने पौधों से बचाना है, लेकिन जो बेनिफिशियल है, जो हमारे पौधों के लिए लाभकारी है, उसको हमें मारना नहीं है, उनको ऐसे ही रहने देना है। जो कि मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी सारे इसमें अर्थवॉर्म थे, मिलीपीड्स थे, तो वो हमारे पौधों के लिए हार्मफुल नहीं है। वो जो है पौधों के डेड जो स्टेम है, लीव्स है, उसको खाते हैं और हमारे पॉट को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो आप उनको मरने नहीं दीजिए। और जो अदृश्य हैं और जो हार्मफुल हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, उनके लिए हमने काफ़ी सारी पेस्टिसाइड बनाई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना है कि वायरस अदृश्य है, जरूर डरिए, पर ईश्वर भी अदृश्य है, भरोसा करिए। तो अपना कर्म करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी सेफ्टी रूल्स है आप अपनाइए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।